हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में तीन बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज सीबीएसई स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो होने वाला है, जहां पर हम कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस और नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी आज के वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा और जो बच्चे भी सेशन में जुड़ गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के भेजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि इतने बच्चे सेशन में जुड़ गए हैं। चलिए तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग क्या है बिजनेस की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सबको पता है, बचपन से यही पढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों? क्योंकि इसके करने से हमें प्रॉफिट या पैसों की अर्निंग होती है, एज सिंपल एज दैट, राइट। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है? प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। या तो हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं या फिर परचेज करते हैं कहीं और से, ऑफ गुड्स फॉर सेल, सेल करने के लिए। मान के चलिए हमें किसी चीज का ऑर्डर मिला है, या तो वो चीज हम खुद बनाएंगे अपने ही बिजनेस में, अपनी ही इंडस्ट्री में, या फिर कहीं और से परचेज करेंगे, अपने पास लाएंगे और किसी और को देंगे, राइट, फॉर सेल, बेचने के लिए। और ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट, या फिर ट्रांसफर या एक्सचेंज करेंगे गुड्स को, अपना गुड्स किसी और को देंगे, यही तो करते हैं हम, परचेज या सेल करते हैं। किस वजह से? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ये थी सिंपल सी डेफिनेशन बिजनेस की। अब थोड़ा सा समराइज करूं, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर गुड्स का सेल और परचेज होता है, किस वजह से? ताकि प्रॉफिट अर्न हो सके। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अब मीनिंग और डेफिनेशन में कितनों को डिफरेंस पता है प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, कि पता है तो यस सर पता है, नहीं पता है तो नो सर नहीं पता है, राइट। और ये जानने वाली बात है इसलिए मैं बता देता हूं। मीनिंग और डेफिनेशन में अंतर यह है, जब भी आपसे मीनिंग पूछी जाती है तो आप उस टॉपिक के बारे में जो चीज भी जानते हैं अपने मन से, मर्जी से, अपने तन मन धन से कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। डेफिनेशन जब भी आपसे पूछी जाती है, डिफाइन बिजनेस, गिव द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, तो यहां पर आपको किसी भी ऑथर की राइट कोट करी हुई एक डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, वर्ड टू वर्ड। तो डेफिनेशन लिखते समय हमेशा ऑथर का नाम मेंशन होना जरूरी है। यहां पर लुइस एच हनी की डेफिनेशन हमने लिए, स्वीट सा नाम है। उनकी डेफिनेशन सिर्फ दो लाइन की है तो याद करनी अच्छी है, सिंपल भाषा में है, तो हमने यही डेफिनेशन ली है। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, हमेशा डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टार्ट होती है प्लस इन्वर्टेड कॉमर्स में ही खत्म होती है। ये क्या बोलते हैं हनी साहब? हनी साहब बोलते हैं कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या ये सही बात है? क्या बिजनेस को जो रन करता है वो इंसान है? बिल्कुल इंसान है, जानवर तो बिजनेस करते नहीं है, राइट। तो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स, करी क्यों जाती है? प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, ताकि हमें प्रॉफिट या वेल्थ अर्न हो सके, हम अमीर बन सके। कैसे बनते हैं अमीर? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, चीजों को बाय और सेल कर, राइट। तो हनी सर क्या बोलते हैं? हनी सर बोलते हैं कि भाई बिजनेस क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है जो कि पैसा कमाने के लिए करी जाती है। कैसे पैसा कमाते हो? गुड्स को परचेज या सेल करके, राइट। आगे देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट सिक्स कैरेक्टरिस्टिक हैं, कान में ये बात जानी चाहिए कि ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है हमें, इंपॉर्टेंट है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितने बच्चे ये जानते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल हमने शुरू से यही पढ़ते हुए आया था, जब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा था, डिफरेंस देखा था पिछले वीडियो में बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। तो यहां पर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसके करने से हमें प्रॉफिट होता है। कोई भी एक्टिविटी जिसके करने से हमें लाभ हो, प्रॉफिट हो, हमारे इनकम में वृद्धि हो, उसको क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परस्यू करी जाती है? ताकि इनकम अर्न हो सके, राइट। आगे देखेंगे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जी प्रोडक्शन तो समझ में आता है कि चीजें प्रोड्यूस करना, ये प्रोक्योरमेंट क्या चीज है? प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना, अभी समझाया था डेफिनेशन में। यहां पर क्या है? प्रोडक्शन और परचेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, राइट। तो यहां पर बिजनेस क्या करता है? या तो चीजें क्या करता है, या तो बनाता है खुद, या फिर कहीं और से परचेज करता है, किसी और को देता है, राइट। किसी और को ही देनी है चीजें, क्योंकि किसी और ने हमें ऑर्डर दिया है ये चीज बनाने का, और वापस उसे वो चीज रिटर्न करनी है। तो या तो हम खुद बनाएंगे, जो चीज हम खुद नहीं बना पा रहे हो मार्केट से परचेज करके बनाते हैं, राइट। तो प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो प्रोड्यूस करेंगे या फिर प्रोक्योर करेंगे, परचेज करेंगे, राइट। थर्ड पॉइंट में आइए, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स।
अब यहां तक समझ में आ रहा है, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड. क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का. आई रिपीट, जो भी आप गुड्स और सर्विसेज परचेज सेल कर रहे हो, इसकी वजह से आपको इनकम अर्न हो रही है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका? ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करना. आप जो भी या कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट ही बना रही है, मतलब जो प्रोडक्ट भी वो बना रहे हैं अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो बिजनेस का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक में क्या पॉइंट है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड. ह्यूमन नीड को ध्यान में रखते हुए गुड्स प्रोड्यूस करा जाता है ताकि ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो पाए, राइट? क्लियर हो रहा है? फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फोर्थ पॉइंट भी, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. अब बिजनेस के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचें या खरीदें रेगुलर बेसिस पे. दैट मींस महीने में एक बार नहीं, छह महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, रोज आपको गुड्स और सर्विसेज का सेल और परचेज करना पड़ेगा. अगर आप रेगुलर नहीं है तो बिजनेस के टर्म में बिजनेस नहीं कहलाएगा, राइट? आपने कोई भी शॉप खोली, एक दिन सेल परचेज करा कोई भी चीज का और फिर बंद कर दी, वो बिजनेस नहीं है. For thing to become a business or any the things that you are doing in a regular basis, उसमें बहुत जरूरी है कि आप goods and services को deal करें और वो regular basis पे होना चाहिए, right? हो रहा है point clear? आगे बढ़ेंगे. Profit earning, ये normal सा characteristics है या हमारा nature है कि profit earning sole objective होता है business enterprises का. अगर नहीं है तो वो business नहीं है, जैसे मैंने आपको meaning में clear करा था, right? आगे देखेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. यहां पर रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है. दैट मींस क्या होता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये सर्टेन नहीं. ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमेशा प्रॉफिट ही होता रहता है? यस और नो बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके, राइट? बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, कभी लॉस भी होता है. तो कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो साइकिल है वो zigzag वे में चलती रहती है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस. तो यहां पर अनसर्टेनिटी है, हर किसी के बस का नहीं है बिजनेस करना, क्योंकि यहां पर सिर्फ सक्सेस ही नहीं फेलियर का भी सामना करना पड़ता है. प्लस रिस्क है, हर वेंचर में हर डिसीजन में रिस्क है. वो डिसीजन अच्छा भी हो सकता है और वो डिसीजन फेलियर भी हो सकता है, राइट? तो दोनों बातों का ध्यान रखना है अपन को इसमें, कि अनसर्टेनिटी भी है यहां पर और रिस्क भी है यहां पर, राइट? तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. आई होप आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा. सिंपल सा वीडियो था, सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने की कोशिश करी थी. जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, या अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है इसके बारे में सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे प्लीज कमेंट कर सकते हैं. या फिर मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करना है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, सुनील अधिकारी 04 आपको हैंडल मिल जाएगा. वहां पर जो मन करे आपका वहां पर पूछ सकते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा. थैंक यू सो मच.